भटक कर तो देख राहों में मंजिल मिल ही जाएगी, बैठ कभी लहरों के किनारे साहिल मिल ही जाएगी। धुंधला सा है कुछ आसमां, कुछ देर तो रुक धुन छट ही जाएगी। आँखों को तू खोल कर अपनी उड़ जा ऊँची सी उड़ान, थक कर भी ना रुकना फिर गिर कर संभल कर मिल ही जाएगी हौसलों को फिर नया आसमान। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्नेहा शर्मा ब्लॉग्स। तो मौसम आज का आप देख ही पा रहे होंगे और कितना सुंदर सा नज़ारा है। और आज की जो डेट है वो है 14 जून। सुबह का नज़ारा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वहाँ पे जानेंगे वहाँ की क्या स्थिति के बारे में। तो जाने से पहले आप ये टाइटेनिक नाव देख सकते हैं, हालांकि ये टाइटेनिक नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ के लिए तो टाइटेनिक है, क्योंकि ये जो बोट है ना वो काफ़ी बड़ी है और ऐसा बोट अभी यहाँ नहीं है। और ये बोट काफ़ी बड़ी बन रही है और आप देख भी पाएंगे, और इसे भी कंप्लीट करने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। पिछली वीडियो में जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, और ये जो आप घाट देख रहे हैं इस घाट का नाम है त्रिपुरा भैरवी घाट। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मिशिंग का पैम्पलेट लगाया गया है, तो आप इसे जूम करके देख भी पाएंगे। ये हैं प्रवीर दास अधिकारी, तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपको कहीं ये मिले तो प्लीज़ आप इस नंबर पे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी दर्शनार्थी हैं वो दर्शन पूजा करने के लिए और बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस घाट पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। इस तरफ देख पाएंगे कि लोग यहाँ पे भारी संख्या में नहाना शुरू कर दिए हैं। पहले अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बंद हो गया था नहाना। और आप सामने देख पाएंगे ये जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे अभी वाइट वॉशिंग का काम चल रहा था अंदर की तरफ, और अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि इसमें अभी ज़्यादा समय लग जाएगा। और इस तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और आप इधर से भी आसानी से आ जा सकते हैं। और सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाइटें लगा दी गई हैं जो कि अंडरग्राउंड लाइटिंग है, और ये जब रात में जलेंगी तो काफ़ी सुंदर नज़र आएंगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि फ़िलहाल में जब पत्थर लग चुका है तो लाइटिंग अंदर से ली गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है और आप देख ही पा रहे होंगे। और सामने से आप पूरा व्यू देख पाएंगे, और सीवेज पंपिंग स्टेशन टूटने के बाद काफ़ी स्पेस हो गया है यहाँ पे, और यहाँ से जो गंगा द्वार है वो काफ़ी सुंदर भी लगता है देखने में। और देखिए यहाँ पे जो सामने जो ढलाई का काम हुआ था, अभी यहाँ पे पत्थर लगाना बाकी है। जब आप इस तरफ आएंगे तो आप ये भी देख पाएंगे
ये अभी जो जेसीबी है वो भी काम नहीं कर रहा है, और जितने भी पत्थरें थी सीढ़ियों पे रखी अब वो सारी पत्थरें यूज़ हो चुकी हैं दीवारों पे। और देखिए आपको भी बहुत कम पत्थर देखने को मिल पा रहा होगा, और ये सामने जो देख पा रहे हैं वो है मरकंडिका घाट जहाँ पे शौदा का काम चल रहा है। इधर देख पाएंगे कि अभी सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल में काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और कुछ लोग अभी काम में लगे हुए हैं लेकिन सारे मज़दूर अभी काम में नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ से आप रैंप को पूरी तरह से देख पाएंगे कि जो पत्थर लगाने का काम था वो अभी आधा हुआ है। ये है कॉरिडोर के अंदर का पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं, नहीं तो मैं आपको उस तरफ भी जाके दिखाती। वैसे जाने वाले लोग तो जाते ही हैं लेकिन अब अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी ना तो पक्का पुलिसकर्मी भी वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बाकी लोग जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ आप ही को लोग रोकते हैं, आप ही को प्रॉब्लम होता है। ग्रह नक्षत्र खराब कहिए या किस्मत खराब कहिए या फिर लोगों को ये लगता होगा कि छोटी बच्ची है चलो उसको डांट फटकार के इसको भगा देते हैं, तो यही लोग सोचते होंगे, इसलिए लोग बोल देते हैं नहीं इधर अलाउ नहीं है, इधर अलाउ नहीं है। तो कोई बात नहीं, अलाउ नहीं है तो हम सामने चलेंगे, तो आइए मेरे साथ। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो इसी वजह से बहुत बहसबाजी भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो मिलेगा बस उसी में खुश हो जाएंगे। और ये सब कुछ हुआ है मेरे व्यूवर्स की वजह से, क्योंकि वो लोग इतनी प्यारी प्यारी तारीफ़ें ही कर देते हैं कि आपकी बातें अच्छी हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छी हैं, आपकी आँखें अच्छी हैं। अब लग गया नज़र, अब नज़र उतारने वाला तो कोई है भी नहीं ना, तो अब क्या होगा, तो अब तो नज़र लग चुकी है तो झेलना ही पड़ेगा। तो आप ही लोग बताइए कैसे ठीक होगा। वैसे ये एक जोक था और ऐसी कोई बात नहीं है, वो मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप लग जाता है और घर जाके मैं तुरंत ठंडा पानी पी लेती हूँ, इसी वजह से कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है और थोड़ी वीकनेस भी है, तो यही सब वजह है। वैसे कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव तो होती रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए इंसान को, जो काम है वो तो करना ही चाहिए। और ये भी मेरा काम है तो इस वजह से मैं भी आज यहाँ पे मौजूद हूँ और आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे पा रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और भी बहुत प्यारी प्यारी जानकारी मैं आगे आपको देने वाली हूँ। तो आप इस तरफ आप देख पाएंगे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ढेर सारा पोल्स लगाया गया था लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऐसा कुछ काम तो हुआ नहीं है लेकिन लग रहा है शायद दीवारों को फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे पोल्स लगाए गए थे। वैसे यहाँ पे तो कुछ काम था नहीं, और यहाँ पे ये आप प्राचीन मंदिरें देख सकते हैं, ये जो सारी मंदिरें हैं ये बहुत प्राचीन मंदिरें हैं, और जब कॉरिडोर नहीं बना था तो लोग यहाँ पे भारी संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए आते थे, लेकिन फ़िलहाल में बहुत कम ही लोग आ पाते हैं यहाँ पे क्योंकि चढ़ने में थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं वहाँ पे। और इस तरफ आप दर्शनार्थियों की भीड़ को देख पाएंगे, का टाइम है तो अभी लोग दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं।
और आइए अब हम इस तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ अभी बदलाव हुआ है या नहीं। और यहाँ पे जो पोल लगा हुआ था अभी फ़िलहाल में लगा ही हुआ है। और यहाँ पे देखिए अभी बोर्ड लगा दिया गया है कि ये जो मंदिर है किसका मंदिर है। तो आइए चलते हैं। और आप ये देख पाएंगे ये है श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर। तो आज जितनी भी कन्फ्यूज़न थी सारी दूर हो गई, क्योंकि यहाँ पे पहले बोर्ड लगा था नीलकंठ महादेव मंदिर का। और बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी थे कि अमृतेश्वर महादेव मंदिर है ये शायद। तो आप देख पाएंगे कि महादेव नीचे विराजमान हैं और ये ऊपर से शेड भी लगा दिया गया है। और अभी तो नाम भी क्लियर हो चुका है, तो आज से इनका नाम है अमृतेश्वर महादेव मंदिर। और सामने देख पा रहे होंगे कि इधर भी पोल लगाया गया है। तो ये दीवारों को फिनिशिंग टच देने का कुछ काम यहाँ पे किया जा रहा है और वो भी एक दो दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। और इधर से भी बोर्ड लगा दिया गया है, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है बोर्ड। और ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये है चंद्रगुप्त महादेव मंदिर, जो कि ये भी प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर काफ़ी सुंदर भी है। और आप अंदर की तरफ देख पा रहे होंगे कि इसमें एक छोटा सा गेट लगा दिया गया है जो कि पहले गेट नहीं था। और इस तरफ भी बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, तो आइए हम देखते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये जो मंदिर है ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जिसको अभी बनाया जा रहा है। और आगे की तरफ आइए अब हम चलते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक और महादेव का मंदिर देख सकते हैं, जो कि वो भी जमीन स्तर से नीचे हैं और इनका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो इनका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर और वो उधर जो थे उनका नाम था अमृतेश्वर महादेव मंदिर। और ये है बाथरूम, तो आप बाथरूम को भी देख पाएंगे कि कैसा बनाया गया है। अभी ये लॉक है और अभी ये वर्किंग में नहीं है और इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी ये चालू नहीं है। और जितनी भी गंदगी होनी है वो फ़िलहाल में है यहाँ पे। और बनाया गया है अच्छा, जैसे मॉल वगैरह में होता है वैसे, बेसिन वगैरह भी काफ़ी हैं। और इधर भी है, इसमें ये है कि मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग नहीं है। और ये है दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ पे लाइटें भी लगा दी गई हैं और छोटे मोटे जो दुकानें हैं आप ये भी देख पा रहे होंगे, जो कि अब टूरिस्ट प्लाजा बनने के बाद इसे अब हटा दिया जाएगा। और सामने से आप देख पाएंगे काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये भी बहुत बड़े एरिया में बनाया जा रहा है। और ये जो सामने आप भवन पहले देख पा रहे थे अब फ़िलहाल में वो टूट चुका है और कुछ दिन में इसे भी तोड़ दिया जाएगा, आपको हल्का फुल्का दिख पा रहा होगा। तो ये है दशाश्वमेध रोड और देखिए यहाँ पे भी काम अभी चल ही रहा है। और इसी रोड से आप अगर सीधे जाते हैं तो आप पहुँच जाएंगे गोदौलिया चौराहा। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।